वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि आईटीजी के प्रिपरेशन के लिए बेसिक जो जरूरतें हैं वो क्या है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है ना। तो मुझे लगता है कि आईटीजी के प्रिपरेशन के लिए जो है आपको चार रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपके पास जो है एक नॉर्मल आईक्यू लेवल होना चाहिए, है ना। नॉर्मल आईक्यू लेवल का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने क्लास में टॉप थ्री में हो या टॉप फाइव में हो तो आप ये मान सकते हैं कि आप आई टी जेई के प्रिपरेशन करने लायक हैं। जनरली मैंने कोटा में ऑब्जर्व किया है कि जो क्लास में ज़्यादातर वही बच्चे कोचिंग करने के लिए आते हैं, जिनका जो है वो क्लास में टॉप थ्री या टॉप फोर में होते हैं, है ना, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो वैसे क्लास और बैचेज पर भी डिपेंड करता है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, फिर भी एक जनरल जो है वो ऐसे आप जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर बना सकते हैं कि अगर अपने क्लास के टॉप थ्री में हैं, टॉप फाइव में हैं, तो आप आईटीजी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वैसे भी मैं मानता हूं कि जो बच्चे आईटीजी के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अपने आप को उस लायक समझते हैं, तभी जो है वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सब कोई क्योंकि कर नहीं सकता है। तो पहली चीज तो ये होती है कि एक नॉर्मल आईक्यू लेवल होना चाहिए, ठीक। बहुत ज्यादा हाई आईक्यू लेवल की जरूरत भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और हमने ऐसा भी बच्चों को देखा है कि क्लास में आते हैं, नॉर्मल उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने नहीं आता, लेकिन क्लास में आने के बाद जो है उन्होंने गजब का मेहनत किया, इतना मेहनत करा कि वो फाइनली सिलेक्ट हुए आईटीजी में, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो इसलिए मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे आईक्यू लेवल वाले ही हों तभी आप आईटी में सेलेक्ट होंगे। इसमें आईक्यू लेवल के साथ साथ में मेहनत जो है उस पर डिपेंड करता है, आप कितनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है, है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि एक नॉर्मल आईक्यू लेवल होना चाहिए, ठीक। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये होता है कि सिंसियरिटी होनी चाहिए। सिंसियरिटी का मतलब होता है आप जो भी करें वो पूरी ईमानदारी के साथ में करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है पेरेंट्स को दिखाने के लिए जो है बुक्स को खोल करके बैठे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है और मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं निकल रहा, कुछ आप सवाल नहीं सोल्व कर रहे हैं, है ना। या दिन भर बैठे तो दस सवाल करिए दिन भर में, है ना। तो सिंसियरिटी का मतलब ये है कि पूरी ईमानदारी से हमें कोशिश करना है, क्योंकि आईटीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किसी भी अच्छे कंपटीशन लेवल की बात करें, अगर किसी भी अच्छे कंपटीशन को अगर क्वालिफाई करना है तो उसमें शॉर्टकट हमें कभी भी देखना नहीं चाहिए। शॉर्टकट जो है वो हमेशा काम नहीं आते, रेयरली काम आ जाते हैं कभी कभी, ठीक। तो ये तो हो गई सिंसियरिटी की बात। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो होता है फोकस। फोकस के बारे में जैसा कि मैंने बताया, है ना, फोकस के बारे में मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आप 2-3 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कभी होता है कि कुछ दिनों के लिए आपकी तबीयत खराब हो गई, है ना, या कुछ दिनों के लिए मन नहीं करा तो आपने अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई नहीं करी, कुछ टॉपिक्स छूट गए, है ना। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो इसमें क्या करना है कि पूरा फोकस बना करके रखने का मतलब ये हुआ कि आप अपने से तो कोशिश करें कि साल भर रेगुलर, है ना, रेगुलर जो है क्लास अटेंड करें। कभी थोड़ी भी तबीयत भी खराब है ना तो मैं क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, देख लूंगा टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, अगर हो सकता है सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ सवाल सोल्व नहीं करूंगा, बैठ करके देख लूंगा ऐसे ही, है ना। जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बेड रेस्ट की जरूरत है तो बेड रेस्ट ऑब्वियसली लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फोकस का मतलब ये है कि आपको जो है 2 साल तक या 3 साल तक, जितने देर तक आप, जितने समय तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये मानकर चलना है
कि इस आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के अलावा कोई काम नहीं है, है ना, कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, ठीक है। अगर ये आपको, अगर आप ये कर पाते हैं 2 साल 3 साल तक, है ना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 2 से 3 साल तक आपको रेगुलर क्लासेज अटेंड करना है, ठीक है, होमवर्क करना है, होमवर्क में डाउट आता है तो उसको पूछना है, ये नॉर्मल चीज़ें जो है वो लगातार 2 साल तक करना, अगर 1-2 महीने का भी गैप पड़ गया तो फिर बहुत सारी मुश्किल आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो 1-2 महीने का जो गैप आ जाता है उसे ओवरकम नहीं हो पाते, कभी कभी उसको रिकवर नहीं कर पाते जो छूट गया उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर क्लासेज अटेंड करना चाहिए, ठीक। बाई चांस अगर कभी तबीयत खराब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत जब ठीक हो तो जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हैं बीच वाली जो छूट गई उनको कवर कर लेना चाहिए, टीचर से पूछ लेना चाहिए, है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो फोकस से ही मुझे एक कहानी याद आई, कहानी ये है कि जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेढक होते हैं, मेढकों का एक झुंड कहीं जा रहा था, है ना, जा रहा था, तो रास्ते में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कहीं गड्ढा था, तो जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में जो 2 मेढक थे वो उस गड्ढे में गिर गए। जब दोनों गिर गए तो दोनों कोशिश करने लगे गड्ढे से बाहर कैसे आए, है ना, तो गड्ढे से बाहर आने कोशिश करने लगे, बाहर जो मेढक खड़े थे वो चिल्लाने लगे कि भाई तुम कोशिश मत करो, गड्ढा जो है बहुत ही गहरा है, इतना गहरा है कि तुम बाहर नहीं आ सकते, सारे मेढक चिल्ला रहे थे, है ना। 2 मेढक थे, दोनों ट्राई कर रहे थे, तो उसमें से एक मेढक ने जो है वो फाइनली हार मान ली। हाँ, तो मैं मेढक वाला किस्सा सुना रहा था आपको, है ना, मैंने बताया कि एक मेढक जो था उसने जो है ट्राई करना छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर वाले जो मेढक थे वो सारे चिल्ला रहे थे कि भाई जो है तुम्हारी कोशिश जो है वो बेकार जाएगी, क्योंकि क्योंकि जो गड्ढा है वो काफ़ी गहरा है, तो तुम कोशिश मत करो, है ना, कोशिश मत करो, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक दूसरा मेढक था जो कि लगातार ट्राई करता रहा, है ना, ट्राई करता रहा जंप करने की, और करते करते क्या हुआ कि वो जंप करके बाहर आ गया, है ना, बाहर आ गया तो क्या हुआ कि उसे बाकी मेढकों ने पूछा, है ना, बाकी मेढकों ने पूछा, तो मतलब उसने बताया, किसी दूसरे ने बताया होगा कि वो जो मेढक था वो एक्चुअली में बहरा था, है ना, बहरा था, तो जब ये बाहर वाले मेढक चिल्ला रहे थे कि कोशिश करना छोड़ दो तो उसको तो सुनाई नहीं दे रहा था, और सुनाई नहीं दे रहा था तो उसको वो डिस्टर्बेंस भी फील नहीं हुआ जो दूसरे वाले मेढक को फील हुआ था, और उसका फोकस भी ख़राब नहीं हुआ, वो लगातार अपने काम पर फोकस रखा, उसने लगातार जंप करता रहा, जंप करते करते जो है वो जंप करके बाहर आ गया, है ना। तो फोकस का मतलब ये है कि आप जो है लगातार बिना रुके अपना काम करते रहें, लगातार 2 साल या 3 साल जितने सालों तक आप प्रिपरेशन करें जो है पूरी ईमानदारी के साथ में, ये समझ कर कि इसके अलावा और कोई मेरे पास काम नहीं है, है ना, आप जो है अपने काम को, पढ़ाई को करते रहें, तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट फोकस, है ना। जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया फोकस, एक्चुअली में जो फोकस है वो खराब कैसे होता है ना, फोकस खराब होता कैसे है? तो आजकल जो है कई सारी चीज़ें हैं जो हमारा फोकस जो है उसको ख़राब करती हैं, जैसे कि एक है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया, आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सब सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, अपना टाइम जो है वो ख़राब करते हैं, है ना। ये आज का समय है, हमारे टाइम में भी एक सोशल मीडिया हुआ करता था, है ना, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो उस टाइम में भी एक सोशल मीडिया हुआ करता था, ये मोबाइल वाला सोशल मीडिया नहीं था, ये होता था कि कहीं पर जो है खेत खलिहान हुआ करते थे, खेत खलिहान में जाड़े के दिनों में जो है आग लगा करके लोग तापते रहते थे, है ना, 4 लोग बैठ जाएंगे वहाँ पर और खूब गप्पे मारेंगे, इधर की उधर की बातें बताएंगे,
है ना। मतलब जैसे आजकल व्हाट्सएप पे अफवाहें फैलाई जाती हैं, वो खूब अफवाहें फैलाते थे, है ना। मतलब वो भी मीडिया ऐसा था कि जैसे है ना, आजकल मन करता है ना कि व्हाट्सएप देख लें, फेसबुक देख लें, जो है एक एडिक्ट से लोग हो जाते हैं। उस टाइम में भी जो है लोग एडिक्ट हुआ करते थे उस चीज़ों के। चार लोग बैठकर आपता पढ़ें तो पांचवे का मन करे कि मैं भी जाऊं वहां पर बैठ जाऊं, कुछ ना कुछ किस्से कहानियां सुनने को वहां पर मिल जाएंगे, है ना। मतलब तो वो जो मीडिया थी वो बहुत अफवाहें फैलाती थी, वो भी टाइम वेस्ट करती थी, वहां पे कोई काम की बात नहीं होती थी, बस केवल मनोरंजन चल रहा करता था, है ना। तो कहने वाले तो ऐसे कहते हैं उस मीडिया के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, जिसको हम लोग आग तापू मीडिया भी कह सकते हैं। वो मीडिया ऐसा था, बहुत अफवाहें फैलाता था कि भाई कोई खेत में जो है वो शौच करने गया तो उसके नीचे से एक कौआ जो है उड़ गया, ठीक। अब वो सोशल मीडिया जो है, जो आगतापू मीडिया है, उसको कैसे फैलाएगा। जिस आदमी ने देखा था वो जाकर बोलेगा कि भाई वो शौच करने गया था, दो कौवे उड़ गए, फिर कहीं दूसरी जगह वही जो है मीडिया बैठा हुआ है, एक और ग्रुप बैठा हुआ है, वहां पे जाएगा तो भाई चार कौवे उड़ गए, अगले जगह पे जाएगा तो भाई आठ कौवे उड़ गए। तो इस तरह से कौवे की संख्या बढ़ती रहती थी, अफवाहें बढ़ती रहती थी, है ना। तो वो भी मीडिया जो था एक तरह से जो है अफवाह फैलाने वाली मीडिया था, टाइम वेस्ट करने वाला ही मीडिया था। लेकिन आज का जो मीडिया है वो इजीली अवेलेबल है, घर में अवेलेबल है, मोबाइल है, तो चलो भाई मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं तो देख लेते हैं। तो ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया काफ़ी टाइम वेस्ट करता है। दूसरा जो है वो बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो वो भी जो है सबको थोड़ी थोड़ी टाइम चाहिए। कोई बोले क्रिकेट खेलने चलते हैं, कोई बोलता है चलो घूमने चलते हैं, है ना। तो वो भी एक टाइम वेस्ट का जो है एक तरीका हो गया, वहाँ भी टाइम वेस्ट होता है। कितने लोग जो हैं वो प्रेम रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उसके चक्कर में तो पूरा फोकस ही खराब हो जाता है ना। सारा फोकस जो है वो गर्लफ्रेंड पर, बॉयफ्रेंड पर रहेगा, इधर पढ़ाई में तो फोकस ही नहीं रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस खराब करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको डिसाइड करना होता है कि हम अपना फोकस जो है वो किस तरीके से बनाए। तो फोकस बनाने के लिए क्या करना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आप जिस कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंपटीशन जो है वो इतना इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल कंपटीशन है। और इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा जो है अच्छा मेहनत जैसा कुछ करना होगा जिससे कि बाकी जो बच्चे हैं उनसे आप आगे निकल सकें, है ना। तो इसलिए फोकस बनाने के लिए तो सोशल मीडिया से दूर रहना है, जो मोबाइल है उससे दूर रहना चाहिए, है ना। दूसरा जो है कम दोस्त बनाए, एक दो दोस्त ही बनाए, कभी ज़रूरत पड़ी तो बात कर लिया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा हंसी मजाक हो गया, तो ये भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अपना टाइम वेस्ट होने लगे। अपना जो असली पर्पस है वो जो है पर्पस जो है वो कहीं मिस हो जाए, है ना। और ये जो प्रेम का चक्कर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें अगर आ गई तो फिर तो फोकस खराब होना ही होना है ना। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनसे दूर रह करके फोकस को बनाया जा सकता है, ठीक। चौथा जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ आईटी जेई के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है ना। किसी चीज़ को पाने की जो है एक जिद और एक पागलपन होती है ना। तो आईटीजेई में जितने भी बच्चे जाते हैं तो बहुत कम ही कुछ गिने चुने होते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वो जो है कम समय देते हैं। अगर उनके पास पागलपन नहीं भी हो तो भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 95% बच्चे जो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं उनके पास इस तरह का जिद और पागलपन होना चाहिए, है ना। जिद और पागलपन का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा कोई खिलौना मांगता है ना, खिलौना मांगता है और वो तब तक रोता रहता है जब तक वो खिलौना उसको नहीं मिल जाता। तो इस तरह की जीत होनी चाहिए, भाई आप आईआईटी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं जब तक आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, रोज पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, इस टाइप की जीत होनी चाहिए।
एक जिद और पागलपन का मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया, ये है ना, आपने हो सकता है मूवी देखी हो, एक मूवी थी मान जी द माउंटेन मैन, है ना। हमारे गांव में बिहार में मतलब अक्सर क्या होता था ना, बच्चे कुछ भी कहने, कुछ काम करने जाएंगे, बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ काम करने, तो घर वाले बोलेंगे हाँ मुझे पता है तू पहाड़ तोड़ने जा रहे है ना। मतलब पहाड़ तोड़ना जो है एक बहुत बड़ा काम होता है, ये माना जाता है कि यह असंभव काम है, तो इसलिए ताने देते हैं कि तू पहाड़ तोड़ने जा रहा है, ठीक है। तो पहाड़ तोड़ करके किसने दिखाया, दशरथ मांझी ने दिखाया है ना। अगर आप वो फिल्म देखेंगे बहुत ही मोटिवेटिंग फिल्म है कि एक आदमी जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं है, है ना, पहाड़ तोड़ने के लिए कोई उसके पास जो है हथौड़ी छेनी कुछ नहीं है, वो अपनी बकरी बेचता है, हथौड़ी छेनी हथियार लाता है, और लोग उसको पागल कहते रहते हैं, फिर भी तोड़ता रहता है पहाड़, और पूरा पहाड़ तोड़ देता है, तोड़ करके रास्ता बनाता है ना। वही आदमी जब उसको थोड़ी सी जरूरत होती है किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो है आप समझ सकते हैं कि बिहार से दिल्ली तक पैदल चला जाता है, पैदल रेलवे लाइन को पकड़ के। तो उसकी एक जिद थी, एक पागलपन थी, जिससे उसने जो है पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बना लिया, ठीक। तो हालांकि हमें उतनी जरूरत करने की जरूरत नहीं होती, मैंने बताया कि आईटी के लिए सिंपल रूल फॉलो करना है। सिंपल रूल जो रूल है वो क्या है कि रेगुलर क्लास अटेंड करें, जो है रोज होमवर्क ऑनेस्टली ट्राई करें, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट ट्राई करें, जितने सवाल बनते हैं बनने दीजिए, जरूरी नहीं कि सारे के सारे सवाल बनेंगे, जितने भी बनेंगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है केवल कोशिश करना। कोशिश करेंगे और उसमें जो डाउट आएंगे तो डाउट्स को हम लोग जाकर टीचर से पूछेंगे, है ना, टीचर्स तो डाउट बताते ही हैं, है ना। तो इतनी सारे काम जो है वो करने चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना चाहिए, है ना। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरे नहीं करते हैं तो आपको आईटीजेई का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम भी कंज्यूम होता है, एनर्जी भी कंज्यूम होती है बहुत, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए मैं ये वीडियो जो है यहीं पर बंद करता हूँ, फिर अगले क्लास में हम लोग और भी कई सारी सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि स्पेशली मैं चाहूँगा फिजिक्स के बारे में, है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूँ, है ना, और कोटा में करीब मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस है कि फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना, तो इसके बारे में अगला वीडियो बनाऊँगा, है ना, और आपसे शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।